मुझे इतनी फुर्सत कहाँ कि मैं तकदीर का लिखा देख सकूं, बस मैं अपनी माँ की मुस्कुराहट देखता हूँ और समझ जाता हूँ कि मेरा जो तकदीर है ना वो बहुत ज़्यादा बुलंद है। सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। क्लास को स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा चैनल पर जो भी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट आपको मिलता रहे। और इस क्लास का पूरा पीडीएफ जो है आप लोग टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा, या फिर successki98.in के वेबसाइट से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और किसी भी एग्ज़ाम का अगर मॉक टेस्ट देना है ताकि आप अपने आप को जज कर पाओ तो successki98.net से जाकर दे सकते हैं। इसका एप्लीकेशन भी लॉन्च कर दिया गया है तो गूगल के प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। लिंक इसका भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। एक बार अपने क्लास का टाइमिंग देख लो ताकि आपका क्लास आज का मिस ना हो। अभी क्लास चलता है सुबह में 4:30 बजे करेंट अफेयर का और 3 बजे वाला क्लास कल सभी ने बहुत पसंद किया तो आज 3 बजे आपका दूसरा क्लास होगा। नोटिफिकेशन नहीं भी जाता है फिर भी आप लोग जुड़ जाइएगा। मैथ 6:00 बजे, रीजनिंग 10 बजे और GK GS टाइम सभी को पता है अपने क्लास का। और आज कवर करने वाले हैं हम लोग 13 अगस्त के इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट के साथ। तो देखते हैं आज का पहला जो प्रश्न है हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। और आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, आप सभी को पता है जो हवाई कंपनी है उसने एंड्रॉयड के साथ उसका पहले डील था लेकिन उसने जो डील है वो रद्द कर दी है और उसने अपना एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है। उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है क्या, यही आपको बताना है इस क्वेश्चन में। और हवाई आपने सभी ने देखा होगा एक ऑनर का फोन भी आता है, ठीक है। ऑनर बहुत फेमस कंपनी है, वो हवाई का ही कंपनी है। और वो ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है आपका हारमोनी OS। नाम याद रखिएगा ऑपरेटिंग सिस्टम का, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। और हवाई जो है वो किस देश की कंपनी है, तो ये चाइना की कंपनी है और चाइना का कैपिटल बीजिंग, करेंसी रेमबी सभी को पता है, प्रेसिडेंट यहाँ के जिपिंग। और हवाई कंपनी के CEO कौन है, अगर एग्जाम में पूछ दे कि हवाई कंपनी के CEO कौन है तो आंसर क्या होगा इसका, रेन जेनफाई, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी सरकार अपने पूरे शहर में 11,000 वाईफाई हॉटस्पॉट स्थापित करेगी। तो बहुत अच्छी बात है, अब तो सभी को यानी वाईफाई मिलने वाला है फ्री में उस स्टेट को। वो स्टेट कौन सा है, तो वो है आपका न्यू दिल्ली। और न्यू दिल्ली के CM का नाम अरविंद केजरीवाल, वहां के राज्यपाल नहीं वहां के उपराज्यपाल। आपको पता होना चाहिए दिल्ली में जो है वो उपराज्यपाल है और वहां के नाम क्या है, अनिल बैजाल, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, रिलायंस की तेल रिफाइनरी और रसायन व्यवसाय में 20% हिस्सेदारी किस कंपनी को मिलेगी। और ये बहुत बड़ी बात है, और ये जो कंपनी है ना रिलायंस ऑयल रिफाइनरी और केमिकल बिजनेस, ये मुकेश अंबानी की कंपनी है, ये डाउट पहले आप क्लियर रखिएगा, ना कि अनिल अंबानी का। और इस कंपनी में 20% जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट नहीं हिस्सेदारी जो है वो किस कंपनी को मिलेगी, तो वो मिलेगी आपका सऊदी अरामको को। ऑप्शन नंबर सी इज द सही आंसर, सऊदी अरामको। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये हिस्सेदारी ये डील होने के बाद ना कंपनी का जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, किसका, रिलायंस ऑयल रिफाइनरी और केमिकल बिजनेस का। टोटल कंपनी अभी कितने की हो गई है तो आप अनुमान भी लगा सकते हैं, 5 लाख अप्रॉक्स बता रहा हूँ, 5 लाख करोड़ रुपए की हो गई है ये कंपनी। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा रकम है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में जो वेंकैया नायडू के 2 वर्षों पर आधारित पुस्तक लॉन्च किया गया है उस पुस्तक का नाम क्या है। और ये पुस्तक का तो खबर पूरे न्यूज में छाया हुआ था तो सभी को पता होगा, लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस देश में रहने वाले 5 लाख से अधिक रोहिंग्या को UNHCR द्वारा पहचान दस्तावेज जारी किए गए हैं, यानी बोल सकते हो अब उनको आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स भी दिया जाएगा 5 लाख रोहिंग्या को जो कहां पर रहते हैं, जो बांग्लादेश में रहते हैं। और बांग्लादेश के टाका क्या है, टाका वहां का मुद्रा है, वहां का जो
कैपिटल है वो क्या है, तो वो आपका ढाका है। और वहां के प्रधानमंत्री कौन है, तो बहुत दिन से है वो शेख हसीना बांग्लादेश की। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना इसकी शुरुआत किस राज्य में की गई है, और योजना का नाम याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट योजना है, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना। और ये योजना किस राज्य में लॉन्च किया गया, तो ये लॉन्च किया गया आपका झारखंड में। इसमें क्या होगा ना, इसका लागत कितना है, 2250 करोड़ रुपए पूरे खर्चा किए जाएंगे, जो सेंट्रल टारगेट लेकर चल रही है कि 2022 तक जितने भी किसान हैं उनके इनकम, उनके आय को डबल करने का उसको हेल्प करेगी ये योजना। और झारखंड सरकार इस योजना में 2250 करोड़ रुपए जो है वो खर्च करेगी। और आज का आपका पहला प्रश्न ये है, आप सभी को पता है झारखंड का राजधानी क्या है, रांची है। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है, रघुवर दास है। लेकिन झारखंड के राज्यपाल कौन है, झारखंड के गवर्नर कौन है, ये आपको कमेंट कर कमेंट बॉक्स में बताना है, ये आपका आज का पहला प्रश्न है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न हमारे सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी को पता है जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था उसमें जो वेलोर क्षेत्र था तमिलनाडु का, वहां पर इलेक्शन नहीं हुआ था क्योंकि वहां पर बहुत सारे पैसे की हेराफेरी हुई थी, तो वहां पर इलेक्शन जो है वो रद्द कर दिया गया था। तो आपको बताना है अभी जो हाल फिलहाल में जो इलेक्शन हुआ था यहां पर दोबारा से लोकसभा चुनाव, तो वहां पर उसके विजेता कौन है, यानी वहां पर नए सांसद एमपी कौन बने हैं, तो वहां पर जो एमपी बने हैं वो बने हैं डीएमके पार्टी के कथिर आनंद, ये जो है वहां के नए सांसद है, याद रखिएगा क्योंकि ये चुनाव बाद में हुआ था तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, और वेलोर कहां पर है, तो ये आपका तमिलनाडु में है, और तमिलनाडु के सीएम का नाम इडापड़ी के पलनीस्वामी, गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित, और कैपिटल क्या है, तो वो है वहां का चेन्नई। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष किसे चुना गया है, और आप सभी को पता है राहुल गांधी के इस्तीफा देने के बाद जो है वो अंतरिम कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट चुने गए वो खुद सोनिया गांधी जी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हमारे सामने, किस राज्य सरकार ने एक आदिवासी परिवार में एक बच्चे के जन्म और एक परिवार के सदस्य की मृत्यु पर सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री मुद्रा योजना शुरू की है, और ये योजना काफी अच्छा है, मैं थोड़ा डिटेल में आपको समझाऊंगा ये योजना है बोलता क्या है। जो योजना है आपका मुख्यमंत्री मदद योजना, ये लॉन्च किया गया है आपका मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। अब इसके अंदर क्या होगा, मान लो आदिवासी परिवार में अगर कोई बच्चा जन्म लेता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो उस परिवार को जो है वो 50 किलो चावल, यानी 50 किलो चावल और 50 किलो गेहूं दिया जाएगा, ये योजना के अंडर आता है। अगर किसी आदिवासी परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस परिवार को 100 किलो गेहूं और 100 किलो चावल दिया जाएगा, तो काफी अच्छा बोल सकते हो इस योजना को, और ये लॉन्च किया गया आपका मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के सीएम का नाम क्या है, तो कमलनाथ, गवर्नर लालजी टंडन, इसके पहले गवर्नर ये कहां के थे, तो वो थे बिहार के लालजी टंडन, अभी कहां के हो गए, तो मध्य प्रदेश के। कैपिटल, तो कैपिटल है मध्य प्रदेश का, सभी को पता है भोपाल। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, इसरो के पिता का नाम बताना है जिनके 100वें जन्मदिन पर गूगल ने डूडल समर्पित किया है। अगर आप आज के डेट में गूगल ओपन करेंगे अपने फोन में तो दिखाई देगा एक फोटो, एक चित्र, वो चित्र किसका है, वो चित्र जो है वो विक्रम साराभाई का है, ऑप्शन नंबर सी, जिनको इसरो के पिता भी बोला जाता है। और अभी हाल फिलहाल में इसरो के डायरेक्टर कौन है, तो सभी को पता होना चाहिए, अभी तो एग्जाम में भी आ चुका है ये क्वेश्चन, हेडक्वार्टर बेंगलुरु। और हाँ, एक बात और याद रखिएगा, इसरो का स्थापना कब हुआ था, तो इसरो का जो स्थापना हुआ था, इस्टेब्लिश हुआ था, वो हुआ था आपका 15 अगस्त 1969 को, यानी 15 अगस्त 1969,
ठीक है, तो ये थे आपकी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर 13 अगस्त के। इसका पूरा का पूरा पीडीएफ जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा वेबसाइट से या फिर टेलीग्राम से। और हाँ, किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट देना है तो successkey98.net से जाकर दे सकते हैं। इसका एप्लीकेशन भी लॉन्च कर दिया गया है। सो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे, सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन बहुत अच्छा हो और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी आप लोग ख्याल रखिएगा। ठीक है, चलिए।